वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विद्या दासरी। तो ऑब्वियसली आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चला होगा। तो आज मैं आई हूँ तिरुमला पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बुलावा आता है ना, श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का बुलावा आता है, तो ही आप दर्शन करने आ सकते हो। तो एवरी ईयर की तरह हमें इस साल भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का बुलावा आया है, तो इस साल भी मैं उनका दर्शन करने आई हूँ। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग में मैं आप सबको एक वर्चुअल टूर देने वाली हूँ, लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन की कहाँ पर स्टे करना है, फूड के बारे में, और यहाँ पर अन्न प्रसादम सेंटर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग होने वाला है, तो आप ये वाला ब्लॉग जरूर एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद द वीडियो। तिरुमला पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन के लिए जाने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रेणीगुंटा स्टेशन और तिरुपति। रेणीगुंटा स्टेशन के बाहर आते ही आपको तिरुमला पर जाने के लिए बसेस मिलेंगे, जिनका फेयर है 70 to 100 rupees पर पर्सन। तो हमने सबसे पहले किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करते ही हम निकल पड़े श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पर सर्वदर्शन के टोकन्स मिलते हैं। तो डे वन के ब्लॉग में मैंने पद्मावती अम्मावरु और गोविंदराज स्वामी जी का दर्शन किया था, तो वो ब्लॉग का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सर्वदर्शन टोकन्स के काउंटर्स में बिल्कुल भी लाइन नहीं था। तो आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है, तो आधार कार्ड शो करते ही हमें मिल गए सर्वदर्शन के टोकन्स, जो कि 26 नवंबर का था 3 AM का। तो 3 AM to 11 AM तक आप दर्शन कर सकते हो, ऐसा स्लॉट दिया गया था। तो श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स के इधर से ही हमने जीप लिया। जीप का फेयर है 100 rupees पर पर्सन तिरुमला माउंटेन्स पर जाने के लिए। ये है श्रीवारी मिट्टू, जिनकी मन्नत रहती है वो स्ट्रेस चढ़कर तिरुमला माउंटेन्स पर जाते हैं। तो अराउंड 3550 टोटल स्टेप्स है, 3 to 4 hours में स्टेप्स चढ़कर ऊपर जाते हैं। सबसे पहले ना तिरुमला माउंटेन्स में चढ़ने से पहले आपको यहाँ पर चेक पॉइंट पे उतरना होगा। सप्तगिरी चेक पॉइंट है, यहाँ पर व्हीकल्स की चेकिंग की जाती है और बैग्स की चेकिंग की जाती है, एंड इन पर्सन पुलिस चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चेकिंग हो गया, अभी हम जीप के लिए वेट कर रहे हैं। एवरी टाइम मैं बस से आती थी, लेकिन इस बार जीप से मैं हम लोग आए। तो श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताया ना पहले वीडियो के क्लिप में, मैं आगे बताऊँगी श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स, वहाँ से हम लोग ने टोकन लिया। तो कल सुबह का दर्शन है, तो कल सुबह अराउंड 3 AM का दर्शन है, लेकिन 3 AM to 11 AM तक दर्शन का टाइमिंग है। तो हम लोग मॉर्निंग 5 o'clock को जाने वाले हैं। तो आज अभी यहाँ पर चेक हो गया, तो अभी मैं जा रही हूँ, तो आप सबको आगे बताऊँ। ये देखिए इस तरह से चेक पॉइंट है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन के लिए जाने के लिए आपको टोटल 7 माउंटेन्स क्रॉस कर जाना पड़ता है, जिसे शेषचलम हिल्स भी बोला जाता है। सो दिस इज डे टू। तो डे वन में हम कहाँ कहाँ पर गए थे वो मैंने पार्ट वन ब्लॉग में कवर किया है, कि गोविंदराज स्वामी जी के टेम्पल में गए थे और पद्मावती अम्मावरु के टेम्पल में गए थे। तो यहाँ पर अभी हम तिरुमला पर आए। टोकन्स लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको बालाजी भगवान जी का दर्शन करना है। तो टोकन्स अगर आप टोकन्स लेते हो ना, तो 2 hours में कवर हो जाता है दर्शन, और प्री दर्शन में जाते हो ना तो अराउंड 8 hours 9 hours लग जाता है। तो आज है मंडे के दिन, तो यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं, सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो मंडे के दिन हमें इजीली नीचे श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स जो है ना, मैं आगे क्लिप्स में बताऊंगी, तो वहाँ से हमने टोकन्स लिया। तो हमें कल का हम लोग को बुकिंग मिला है, कल मॉर्निंग 3 AM to 11 AM के बीच में हम दर्शन कर सकते हैं। तो आज के दिन तो मैं फ्री हूँ, तो आज के दिन मैं आप सबको तिरुमला के आजू बाजू का टेम्पल्स बताऊँगी। लेट्स गो। तो सबसे पहले अभी अन्न प्रसादम सेंटर में जाते हैं। तिरुमला पर आते ही सबसे पहले आपको जाना होगा सीआरओ ऑफिस। सीआरओ ऑफिस में लाइन में वेट करने के बाद आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो मोबाइल नंबर पे एसएमएस आ जाता है कि रूम्स कहाँ पर बुक हुए हैं और कौन से टाइम स्लॉट दिया जाता है।
सीआरओ ऑफिस के आगे चलकर जाते ही आपको ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखेगा जहाँ पर बहुत से डिवोटीज शॉपिंग करते हैं। उसके आगे जाते ही यहाँ पर आपको श्री बालाजी भगवान जी की प्रतिमा दिखेगी। सप्तगिरी रेस्ट हाउस के इधर ही फोटो पॉइंट है जहाँ पर बहुत से डिवोटीज फोटोज क्लिक करते हैं। तिरुपति बालाजी के मेन मंदिर में जाने के लिए यहाँ पर आपको टनल से भी जा सकते हो और फ्री बसेस भी अवेलेबल हैं। तो फ्री बसेस में बहुत ज़्यादा क्राउड होते हैं, इसलिए हम वॉक कर कर गए थे टनल से, जो कि शॉर्टकट है। तो यहाँ से वॉक कर कर जाते ही आप पहुँच जाते हो श्री आंजनेय स्वामी जी के टेम्पल के इधर। वहाँ से आपको मेन मंदिर का दर्शन हो जाता है। सर्व किया गया, मतलब जैगरी डालते हैं उसमें, जैगरी काजू रहता है और ये एक भाजी है और ये चटनी है, पिकल है वो। और यहाँ पर देखिए इस तरह से राइस सर्व किया जाता है। एवरी इवनिंग ना पालकी निकाली जाती है, तो आगे दो एलिफेंट्स रहते हैं और पीछे पालकी रहता है श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का और पद्मावती अम्मारू और लक्ष्मी जी का, मतलब पालकी निकालते हैं। तो वो मतलब वो नज़ारा देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना स्पिरिचुअली ये एकदम एक्टिव प्लेस है, तो यहाँ पर बहुत ही पीसफुल लगता है। तो अगर आप यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हो ना, तो इवनिंग में अराउंड 5 to 6 o'clock के बीच में ना यहाँ पर पालकी जाता है। तो मैं आप सबको अभी पालकी बताती हूँ, ये देखिए। तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से पहले ना ऐसा माना जाता है कि पहले श्री वराह स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले वराह स्वामी जी का दर्शन करने वाले, उसके बाद यहाँ पर साइड में ही कृष्ण भगवान जी का टेंपल है और हयग्रीव स्वामी जी का टेंपल है। तो आजू बाजू में यहाँ पर जितने टेंपल्स हैं उनका दर्शन कर लेंगे हम। तो ये सब भगवान जी का दर्शन होने के बाद फिर हम कल सुबह अराउंड 4 AM को 4 AM को हम लोग बालाजी भगवान जी का दर्शन करने जाने वाले हैं। तो ये था day 1। तो कल सुबह दर्शन के लिए जाने वाले, तो अराउंड 2 to 3 hours लगने वाला है। तो अभी पहले श्री वराह स्वामी जी का दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए पुष्करणी लेक के बाजू में यहाँ पर श्री वराह स्वामी जी का टेम्पल है। तो यहाँ पर ना कैमराज अलाउड नहीं है। हयग्रीव स्वामी जी का टेम्पल है और कृष्ण भगवान जी का टेम्पल है। तो देखिए इस तरह से मैं बता रही हूँ। मुख्य मंदिर के अंदर जो श्री बालाजी भगवान जी का जो मूर्ति है वो किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुए थे। और श्री बालाजी भगवान के हृदय में श्री लक्ष्मी माता जी का भी निवास है। मंदिर के सभी परिसर भगवान जी का दर्शन करने के बाद हम नेक्स्ट डे दर्शन के लिए निकल गए थे। तो सभी मोबाइल्स रूम्स में रखने की वजह से मैं दर्शन के दिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो हमारा दर्शन हम मॉर्निंग 8 o'clock को गए थे, तो इसलिए हमें दर्शन का स्लॉट नहीं मिला। हम फिर से
बाद में दोपहर को 12 o'clock को गए थे, तो 12 to 4 हम दर्शन की लाइन में खड़े थे। तो अराउंड 4 to 5 hours लाइन में खड़े रहने के बाद हमें श्री बालाजी भगवान जी का बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुआ था। हाय ऑल, तो कल हमारा दर्शन हुआ, तो कल मोबाइल सब रूम में रखने की वजह से कल का दिन में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, लेकिन दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ। अराउंड 4 hours में हमारा दर्शन हो गया था। तो हमें स्लॉट दिया गया था मॉर्निंग 3 AM का कल का, तो मॉर्निंग 3 AM था, तो हम लोग 8 o'clock को गए थे। तो 8 o'clock को जाने की वजह से हमें बोला है कि 11 to 12 o'clock को आने बोला था। तो कल अराउंड 12 PM को हमारा लाइन स्टार्ट हुआ, तो 12 से लेके 5 PM तक हम लाइन में ही थे। तो कल शाम को 5 बजे हमारा दर्शन हुआ। तो दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हुआ। हम सब मिडल में खड़े थे, मतलब मिडल के लाइन में खड़े रहते हैं ना, तो बालाजी भगवान जी का जो मूर्ति रहता है ना, बहुत ही अच्छी तरह से दिखता है। ऐसे लगता है कि हम रियल में दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा वाइब्स आता है वहाँ पर। दर्शन करने के बाद एक मन को शांति मिलता है, बहुत ही पीसफुल है और काम लगता है। मतलब जितने भी हम थॉट्स रहते हैं ना मंदिर में जाने के बाद, बहुत ही एकदम काम पीसफुल लगता है। तो अच्छी तरह से दर्शन हो गया था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गया था, लेकिन कल शाम को पूरा दिन यहाँ पर बारिश ही गिर रहा था। बहुत बारिश होने की वजह से शाम को भी मैं कुछ भी ब्लॉग्स के क्लिप्स नहीं ले पाई, कल बहुत बारिश था। तो यहाँ पर अभी क्लाइमेट सडनली पूरा चेंज हो गया, इसलिए हमारा प्लान भी पूरा चेंज हो गया। तो हम सब ना पाप विनाशम, शीला तोरणम, ऐसे बहुत से 7 to 8 प्लेसेस है यहाँ पर तिरुमाला पर ही। माउंटेन्स के आजू बाजू में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस है, वो हम जाने वाले थे लेकिन वो कैंसिल हो गया। इससे ये छोटा सा ब्लॉग मैंने ट्राई किया है कवर करने का, लेकिन बहुत छोटा ब्लॉग हो गया। आई होप आप सबको ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तिरुमाला का ऐसा मीनिंग है कि तिरु मतलब होली और सैक्रेड और माला मीन्स हिल्स, तो इसीलिए तिरुमाला बोला जाता है। तो बालाजी भगवान का दर्शन होते ही फिर श्री आंजनेय स्वामी के इधर यहाँ पर सभी भक्त आरती करते हैं। क्लाइमेट में सडन चेंजेस की वजह से हमारे प्लान्स कैंसिल हो गए, तो इसलिए हम निकल पड़े श्री कालाश्री मंदिर जो कि तिरुपति में ही है। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।